हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ASICS Nova Blast 4 और Nike Pegasus Plus को। Nike का Pegasus Plus एक रीसेंट लॉन्च है जो Pegasus Turbo का रीब्रांडेड वर्जन है। Nova Blast ASICS का सबसे बिलेवड शू सीरीज बनता जा रहा है रनर्स के बीच। ये दोनों ही प्रीमियम डेली ट्रेनर्स हैं जो जाने जाते हैं अपने वर्सटिलिटी और परफॉर्मेंस सेंट्रिक फीचर्स के कारण। हम इन दोनों शूज को 9 कैटेगरीज के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, कैटेगरी वाइज एक विनर चुनेंगे और ओवरऑल विनर भी बताएंगे। हर रनर को हर कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये कैटेगरीज और इनके विनर्स आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि जो फीचर्स आपको चाहिए वो किस शू में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। ASICS Nova Blast 4 की स्टैक हाइट है 41.5 mm हील पे, 33.5 mm फोर फुट पे और ड्रॉप है 8 mm। मेंस साइज 8 में इसका वेट है 260 ग्राम और इंडिया में आता है 13,999 का। अपर बना है इंजीनियर्ड वोवन मटेरियल से। मिडसोल में इस बार इस्तेमाल हुआ है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको का। आउटसोल में AR रबर डाला गया है और पिछले वर्जन की तरह इसमें भी ट्रैम्पोलिन इंस्पायर्ड कटआउट्स हैं। नाइकी पेगासस प्लस की स्टैक हाइट है 33 mm हील पे, 23 mm फोर फुट पे और ड्रॉप है 10 mm। मेन साइज 8 में इसका वेट है 236 ग्राम और इंडिया में आता है 16,995 रुपए का। Pegasus Plus का अपर बना है माइल्डली स्ट्रेचेबल फ्लाइनेट मेश मटेरियल का, जिसमें टर्बो का रेसिंग स्ट्राइप हेरिटेज लोगो है। मिडसोल ZoomX का बना है जो नाइकी का सबसे एडवांस्ड फोम है। 4 फुट और हील में हाई एब्रेशन रबर पाया जाता है वॉफल डिजाइन पैटर्न के साथ। अब शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से जो है वेट। विनर होगा Pegasus Plus क्योंकि यह Nova Blast 4 से 24 ग्राम हल्का है, पर यह विन सिर्फ ऑन पेपर है क्योंकि ASICS somehow एक 260 ग्राम के शू में 33 mm का स्टैक डाल पाया है, जो हमारे ओपिनियन में एक फेनोमिनल अचीवमेंट है। नोवा का फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस ZoomX के कंपैरिजन में एक डेंसर फोम है जो इस माइनर वेट डिफरेंस को और सरप्राइजिंग बनाता है। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है फिट और लॉक डाउन। ASICS एक ऐसा ब्रांड है जो कंसिस्टेंटली ट्रू टू साइज करेक्ट फिट शूज बनाता आया है। हमने ASICS के काफी सारे शूज ट्राई किए हैं और अभी तक किसी भी शू में फिट या लॉकडाउन का इशू एक्सपीरियंस नहीं किया। Nova Blast भी बॉर्डर लाइन परफेक्ट है इन डिपार्टमेंट्स में। नाइकी के शूज रिलेटिवली स्नग होते हैं, जो हमने Pegasus और विनफ्लो में नोटिस किया है। Pegasus Plus का टो बॉक्स बहुत शार्पली टेपर करता है ऊपर की तरफ, जिस कारण इस कैटेगरी का विनर है Nova Blast। तीसरा क्राइटेरिया है अपर कम्फर्टेबिलिटी। Pegasus Plus का फ्लाइनेट अपर सिंगल लेयर्ड है और इसमें नाइकी ने बहुत सारे वेंटिलेशन होल्स डाले हैं। ब्रीदेबिलिटी ASICS की भी अच्छी है, पर हमें Pegasus Plus का बैलेंस अपर कंफर्ट और ब्रीदेबिलिटी प्रोवाइड करने में नोवा से एवर सो स्लाइटली बेटर लगा। इसमें कम पैडिंग होते हुए भी लॉकडाउन इफेक्ट नहीं होता। विनर है Pegasus Plus। चौथा क्राइटेरिया है मिडसोल एनर्जी रिटर्न। ये कैटेगरी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि दोनों में से एक शू में सुपर फोम का इस्तेमाल हुआ है, जो नाइकी के टॉप एंड रेसिंग शूज में पाया जाता है। फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस ASICS का एक प्रीमियम फोम है पर फ्लैगशिप नहीं। इसका इस्तेमाल ASICS जनरली डेली ट्रेनर्स में करता है, जैसे क्यूमुलस, निम्बस एटसेट्रा। इस कैटेगरी का विनर हुआ Pegasus Plus, कम स्टैक का होते हुए भी। हमारा पांचवा क्राइटेरिया है मिडसोल कंफर्ट। ZoomX एक बहुत ही सॉफ्ट फोम है, पर कम स्टैक होने के कारण नोवा कंफर्ट सेक्शन में बेहतर है। नोवा ब्लास्ट का डीप बॉटमलेस कुशनिंग हर किसी रन में हमें एंजॉयबल लगा और इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी वेट हर किस्म के रनर्स से एंजॉय कर पाएंगे। छठा कैटेगरी है आउटसोल ग्रिप। दोनों ब्रांड्स ने शूज में अपने इन हाउस हाई एब्रेशन रबर कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया है। ASICS में है AR यानी ASICS हाई एब्रेशन रबर और Pegasus Plus में नाइकी ने अपना हाई एब्रेशन रबर डाला है वॉफल डिजाइन पैटर्न में। दोनों का कवरेज और डिजाइन ऐसा है जो वेट कम रखता है पर ग्रिप को इफेक्ट नहीं करता। हमने नोटिस किया कि नाइकी का वॉफल आउटसोल सुपीरियर ग्रिप देता है वैरायटी ऑफ कंडीशंस में। ओवरऑल Nova Blast का आउटसोल कवरेज कम है और नाइकी का डिजाइन अच्छा बाइट प्रोवाइड करता है अलग अलग सर्फेसिस पे। विनर है Pegasus Plus। सातवा क्राइटेरिया है ड्यूरेबिलिटी। दोनों शूज में प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है। जनरली ऐसा माना जाता है कि सॉफ्टर फोम्स कम ड्यूरेबल होते हैं, पर सरप्राइजिंगली हमारे एक्सपेक्टेशंस के परे Nova Blast में पहले वेयर एंड टेयर देखने को मिल रहा है क्योंकि मिडसोल एक्सपोज्ड है और फोम मॉडरेटली सॉफ्ट, जो रोड रनिंग के दौरान घिसने लगा है। ये एक कॉस्मेटिक इशू है और इससे Nova Blast के परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। विनर होगा Nova Blast।
हम नोवा को इसलिए भी विनर दे रहे हैं क्योंकि फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस एक एक्सेप्शनल ड्यूरेबल मिडसोल है जो हमने खुद के शूज में 1000 किलोमीटर तक लास्ट करते हुए देखा है। आठवां कैटेगरी है वर्सेटिलिटी। जहां तक वर्सेटिलिटी की बात आती है, बहुत कम शूज हैं जो नोवा के साथ कम्पीट कर सकते हैं। हमने वेट सेक्शन में भी कहा था, 260 ग्राम के डेली ट्रेनर में 41 मिलीमीटर का स्टैंक दे पाना बहुत बड़ी बात है, और A6 ने इसमें रॉकर ज्योमेट्री डाला है जो इसे ब्लॉकी फील नहीं होने देता। स्पीड वर्कआउट्स पे ये क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। जहां तक फास्टर पेसेस का सवाल है, ये पेगासस प्लस का स्वीट स्पॉट है, पर पेगासस प्लस नोवा से पीछे छूट जाता है लॉन्गर एफर्ट्स पे, जहां नोवा का बॉटमलेस कुशनिंग आपको हाफ मैराथन मैराथन डिस्टेंसेस तक इजीली ले जाएगा, जो इसे इस कैटेगरी का विनर बनाता है। आखिरी और नोवा क्राइटेरिया है प्राइस। पेगासस प्लस का लॉन्च प्राइस है 16,995 और नोवा ब्लास्ट 4 लॉन्च हुआ था 13,999 रुपए का। इंडिया में शू प्राइसेस स्टॉक मार्केट की तरफ फ्लक्चुएट करते हैं और सेल के दौरान आप इन दोनों को अच्छे डिस्काउंट्स पे ले पाओगे, पर MRP से ही आपको पता चल गया होगा कि विनर कौन है। नोवा ब्लास्ट 4 जीता 5 कैटेगरीज में और पेगासस प्लस 4 में। ओवरऑल विनर रहेगा नोवा, क्योंकि ये एक वेल राउंडेड एंड वर्सेटाइल शू है। अगर आप एक ही जूते में सारे रन्स करते हो तो नोवा टॉप चॉइस है। पर आजकल हमने अपने काफ़ी सारे रनिंग बडीज को देखा है एक प्रॉपर शू रोटेशन मेंटेन करते हुए, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस इजी रनिंग के लिए सेपरेट शू, टेम्पो रनिंग के लिए अलग और रेस डे के लिए सुपर शू। इस रोटेशन में पेगासस प्लस परफेक्टली फिट बैठता है टेम्पो डे कैटेगरी में। ऑल्दो हमने इस कंपैरिजन में इन दोनों शूज को टेस्ट किया है, पर शू रोटेशन में ये दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी। तो ये था हमारा कंपैरिजन नाइकी पेगासस प्लस और A6 नोवा ब्लास्ट 4 का। अगर आप इनके डिटेल रिव्यूज चेक करना चाहते हो तो उनके लिंक्स हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कुछ अफिलिएट लिंक्स के साथ, अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं पावर एक्सराइज 700 GT के रिव्यू के साथ। थैंक यू एंड गुड बाई।